हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लंबे समय के बाद हमारे एक नए वीडियो के अंदर। दोस्तों, अपने फ्री फायर में आ चुका एक और न्यू इवेंट जिसमें हम लोगों को MP40 की बहुत ही अच्छी वाली पोकर MP40 की स्किन मिलने वाली है। तो दोस्तों, पोकर MP40 यह एक अलग इवेंट के अंदर आया MP40 रिंग के नाम से, जहाँ पर दोस्तों आप सभी लोगों को 20 डायमंड का स्पिन करने के बाद टोकन मिलेगा या फिर गन परमानेंट मिल सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो, दो तरह का इसकी स्पिन है। एक स्पिन 20 का है और 10+1 स्पिन 200 का स्पिन है। तो दोस्तों, इसमें कुछ भी टिप्स एंड ट्रिक काम नहीं करने वाला है। बेसिकली जो पुराना रोल है आप लोगों का वही करना है। अगर आप लोग गेम नहीं खेल रहे हो ना, तो जिस आईडी में गेम बहुत लंबे समय से नहीं खेला जा रहा है, उसमें यह निकलने का बहुत ही ज़्यादा चांस है कि कम डायमंड में निकल जाएगा। बेसिकली आप लोग अपना जो भी अकाउंट है ना, एकदम लुल्ल बना लेना, मतलब कि बोट अकाउंट बना करके कपड़ा वगैरह सब हटा करके स्पिन करना, तो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा चांस बनता है कि आप लोगों को आइटम निकल जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग स्पिन करोगे तो आप सभी लोगों को दोनों जो टॉप की पोकर MP40 की गन है आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी एक्सचेंज में आप लोगों को मैं दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पर 250 टोकन भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ग्रीन वाली MP40 225 टोकन पर आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा रेड वाली पोकर MP40 और 200 पे आप लोगों को ब्लू वाली पोकर MP40 मिल जाएगी। तो एक्सचेंज में बस 3 ही रखा गया है, बाकी 2 टॉप निकालने के लिए आप लोगों को स्पिन करके ही निकालना पड़ेगा। तो इस इवेंट के अंदर देखते हैं कितना डायमंड लगता है, चलिए स्पिन करके दिखाते हैं। तो अभी दोस्तों जो आप लोगों को स्पिन में करने जा रहा हूँ, यह फ्री फायर में ओल्ड आया हुआ था पोकर MP40 का एक इवेंट, जहाँ पे दोस्तों सेम टू सेम यही इवेंट था, बट वहाँ पे दोस्तों हम लोगों को मेन वाला MP40 की स्किन रखा गया था एक्सचेंज में। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्पिन करना चालू कर दिया है और स्पिन तो कर दिया, देखते हैं फर्स्ट स्पिन में क्या मिलता है। देख सकते हो जो पुराना वीडियो था हमारा, उसमें कुछ नहीं निकला है। तो इस प्रकार से आप लोगों को निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है। तो आप लोग सोच समझ करके ही डायमंड लगाना, अगर आप लोगों के पास कुछ ज़्यादा डायमंड है तभी लगाना, वरना मत लगाना। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं दूसरा स्पिन कर चुके हैं, दूसरा स्पिन करने के बाद भी हमें नहीं मिला है। तो यहाँ पे फिर से हमें टोकन ही टोकन मिला 10 के 10 बॉक्स में, और फिर से हम यहाँ पे स्पिन करेंगे, एक और स्पिन करेंगे, जहाँ पे हमने स्पिन तो कर दिया दोस्तों, और स्पिन करने के बाद क्या मिलता है आप लोग खुद ही देख लो। इस प्रकार से यहाँ पर मेरा 600 डायमंड वेस्ट चला गया। ठीक है, तो आप सभी लोग देख सकते हो 600 डायमंड लगाने के बाद भी हमें टोकन ही टोकन मिला है और कुछ नहीं मिला है। तो वीडियो बनाने का पर्पज यही है कि आप लोग सोच समझ करके ही डायमंड लगाना, ठीक है, वरना मत लगाना। देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे हमारा 4th राउंड का स्पिन है 10+1 वाला, और यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं मिला। बस मिला है तो क्या मिला है, ओ माय गॉड, ये क्या हुआ दोस्तों, 800 डायमंड के अंदर हमें एक मिल चुका रेड वाली पोकर MP40। हमें लग रहा था कि नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे 800 डायमंड में टोकन के साथ साथ हमें एक गन स्किन भी मिल चुकी है। तो चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते रहते हैं और आप लोगों को स्पिन करके दिखाते रहते हैं। तो यहाँ पे एक बार और स्पिन कर दिया हमने 10+1, तो बराबर हमें मिला है, यहाँ पे टोकन ही टोकन मिला है और कुछ नहीं मिला है। इस प्रकार से मेरा यहाँ पे 1000 डायमंड चला गया और 1200 डायमंड अभी हो चुका है, फिर से टोकन मिला। 1200 डायमंड लगाने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिला। चलिए एक और स्पिन करके दिखाते, तो यहाँ पर हम लोगों ने स्पिन तो कर दिया है और देखते हैं क्या मिलता है दोस्तों। स्पिन करने के बाद हमें टोकन मिल रहा है और फिर भी टोकन मिला। 1200 डायमंड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, फिर से हम यहाँ पे 200 और डायमंड लगाएंगे, 200 डायमंड और लगा दिया हमने, और यहाँ पर फिर से मेरा 1400 डायमंड होने के बाद केवल टोकन मिला। फिर 200 का स्पिन 14+16 हो चुका है, यहाँ पे 1600 डायमंड वेस्ट गया। फिर 1800 डायमंड में हमें मिल चुका एक और गन स्किन, जो कि काफ़ी ओसम है। फिर दोस्तों देखो, वही वाला स्किन मिला रेड वाला, तो यहाँ पे रेड वाला अगर मिल रहा है तो उसकी जगह पे आप लोगों को 100 टोकन मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो इस तरीके से आप लोग दूसरा गन को एक्सचेंज करके ले सकते हो। ठीक है, तो ये अच्छी बात रही। और चलिए दोस्तों, 1800 हो चुका हमारा यहाँ पर, और उसके बाद से फिर स्पिन करेंगे। यहाँ पे कंप्लीटेड 2000, मतलब 2000 डायमंड हमारा वेस्ट चला गया, और यहाँ पे टोकन के साथ हमें एक गन स्किन मिली है परमानेंट। फिर से यहाँ पे 2200 का स्पिन हमने कर दिया, 2200 में कुछ नहीं मिला, 2400 हो गया। 2400 के बाद 2600 का स्पिन हमने कर दिया है, 2600 के बाद 2800, 2800 के बाद यहाँ पे देख सकते हो 3000 डायमंड हमारा वेस्ट चला गया। 3000 के बाद 3200, 3200 पे हमें टोकन कुछ नहीं मिला है। 3200 के बाद अब हम छोड़ देते हैं और यहाँ से हम डायरेक्टली अब स्पिन करके दिखा देते हैं आप लोगों को कि
क्योंकि इस इवेंट के अंदर ज़्यादा डायमंड लगाना उचित नहीं लग रहा है। और आप लोगों को पास भी अगर 2000 से 3000 डायमंड हो तो लगाना, वरना मत लगाना। ये बेसिकली यह सब इवेंट खास करके यूट्यूबर लोगों के लिए होता है, जो कि ज़्यादा यूट्यूबर लोगों के पास बहुत सारा डायमंड और बहुत सारा पैसा होता है, तो वो लोग वेस्ट करते हैं। आप लोग अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट हो या छोटे बच्चे हो तो आप लोगों को इस इवेंट में पैसा नहीं लगाना, ना एक भी डायमंड लगाना। आप लोग इलाइट पास वगैरह जो है, रॉयल पास, आप लोगों को वो ख़रीद लेना है। बाकी आप लोगों को इस इवेंट के अंदर पैसा नहीं लगाना है। अगर लगाना चाहते हो 2000 डायमंड हो तो लगाओ, वरना मत लगाओ। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।